जितने भी यहाँ साथी हैं सबको बता दूं, हमारे बीच में आज बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। हमारे बीच में भाई यशवंत जी बैठे हैं और आज के इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी एसएम न्यूज से। जितने भी यहाँ साथी हैं, आजकल नेट का जमाना है तो यूट्यूब पर जाकर एसएम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस चैनल की जो भी नई खबर है वो आप तक पहुंचे। समाज की आवाज को बहुत उठाते हैं भाई साहब, एक बार इनके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। जब बहुजन महापुरुषों की बात होती है तो वहां सबसे पहले बाबा साहब की बात होती है। जब बाबा साहब की बात होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी संतान को ना देखकर इस बहुजन की संतानों को देखा। उनकी चार चार संतानें पैसे के अभाव से, खाने के अभाव से, दवा के अभाव से, इलाज के अभाव से चली गईं, लेकिन हमारे लिए हॉस्पिटल खोल दिए। माता रमाबाई एक साड़ी पहनकर अपना जीवन गुजारती थी, जब वो साड़ी तार तार हो जाती थी, फट जाती थी, तब दूसरी साड़ी पहनती थी। लेकिन बाबा साहब के लिए कभी कोट की कमी नहीं होने दी। उन बाबा साहब को कभी एहसास नहीं होने दिया कि माता रमाबाई पर एक ही साड़ी है। और उसी माता रमाबाई के त्याग से बाबा साहब बने, और बाबा साहब के त्याग से हम लोग इंसान बने। इंसान हम तब भी थे लेकिन इंसान होने की हमारी औकात नहीं थी। जो मान सम्मान जानवरों का होता था वही मान सम्मान हमारा होता था। इंसानों का मान सम्मान हमारा मान सम्मान नहीं था, लेकिन हमारा मान सम्मान वापस दिलाने के लिए बाबा साहब और माता रमाबाई की कुर्बानियां आगे आई और हमें यहां तक पहुंचाया। तो ऐसी माता रमाबाई और ऐसे बाबा साहब को नमन करते हैं और चलिए आगाज करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। याद करते हैं उस माता रमाबाई के और आगाज करते हैं आज की शाम का, आज के इस दिन का, जो हमें बाबा साहब की चार चार संतानें जाने के बाद प्राप्त हुआ। तो ऐसे बाबा साहब को नमन करते हैं और याद करता हूं उस बाबा साहब को जिनसे पहले इस देश में जो कानून व्यवस्था थी वो एक धार्मिक पुस्तक से थी, और वो धार्मिक पुस्तक सिर्फ चंद लोगों का भला चाहती थी, बाकी लोगों का भला नहीं चाहती थी। तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत सुंदर गीत से। आशा करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा। एक बार आपका तारुफ मैं करा दूं, मेरे साथ बहुत अच्छे बहुजन कवि हैं भाई दिनेश प्रधान जी, दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं। दिल्ली पुलिस की सेवाओं के साथ साथ बहुजन समाज की सेवाएं भी करते हैं। और मेरे साथ इधर छोटा भाई सुशील बौद्ध है। दो साथी एक एग्जाम की वजह से आज नहीं आ पाए और पहली बार इधर आ रहा हूं। कैसा सुनेंगे आप? एक हमारे साथी सचिन निगम जी कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं, बहुत अच्छे गीतकार कवि हैं वो भी, और बहुत अच्छा सुरीला उनका भी कंठ है, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दें ताकि मैं आप लोगों से रूबरू हो जाऊं, मुझे पता चल जाए कि आप भी सुनने के मूड में हैं।
उस माता रमाबाई को नमन करने के मूड में हैं, उन बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो लीजिए आपको गीत देता हूँ।